my channel, Sam Entertainment Fish. I'm able to call my parcel में क्या है हमारे पास क्यों है यह parcel आज इसकी हम करेंगे unboxing. चलो करते हैं इसकी unboxing. तो दोस्तों सबसे पहले निकलता है क्या ये. चलो इसे साइड में रखते हैं और दूसरा खोलते हैं. ओ ये दो निकले और कुछ डब्बा खाली. दो चलो कोई बात नहीं हमें क्या करते हैं. सबसे पहले ये खोलते हैं. ये सबसे पहले निकला ये लेंस का बॉक्स. कितने एमएम का लेंस है इसमें? अबे लिखा ही नहीं इस पे. क्या बे लिखा तो होगा यार, ऐसी बात नहीं है. चलो पता नहीं कितने. चलो दूसरा निकालते हैं. ये है इसकी लेजी ग्लासेस वाला लेंस. इसमें ऊपर दिखता है, अगर ऐसे नहीं देखे तो नीचे दिखता है. वही लेंस मैंने देखा था. और ये निकला है टेलीस्कोप वाला. और ये तो कैसी क्वालिटी है इसकी, देखो ऐसे पड़ा हुआ है. और ये एक और लेंस है. इसे देखते कितने कितने एमएम के. इसको खोल के तो ही हाँ ये है 25 mm का. मतलब ये है 20 mm का. हाँ जो हमने मंगवाया था हमें 20 mm का था, एक 25 mm का था मेरे को याद है. देखो तो टूट रहा नहीं है. हाथ रखते हैं ना बीस पे, तो इसे बंद कर लेते हैं. आपको कैसे होता है? कैसे होता है? हाँ ऐसे होता है. 25 mm का ये देख लिया. चलो और ये 20 mm का है. तो दोस्तों अगला है ये. देखिए जरा कितना जूम होता है. बहुत जूम है, अच्छा जूम है इसका भी. अभी दिख रहा है. अरे इसका वो एक लंबा स्टिक निकलती है वो ऐसे पीछे है स्पेशल ग्लास से. वो कहाँ है पता नहीं, वो देखते बाद में. अभी ये खोलते हैं. ये है दूसरा बॉक्स. अच्छे से पड़ा हुआ भी नहीं ना, तो ये अजीब लगता है ना. मैं इससे कुछ डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि ये अच्छे से नहीं रह रहा खड़ा है. अच्छे से नहीं रह रहा है. ये देखो ना ऊपर से टेढ़ा है कितना लग रहा दोस्तों. हाँ इससे तो नहीं हुआ ये. ये ऐसे ही पहले ही ओ ऐसे ऐसे ट्राई करूँ. ऐसे भी उल्टा है. उससे सच्ची में डिसअपॉइंटेड हूँ. अच्छा नहीं लगा मेरे को ये खास. बाकी सब इसमें अच्छा है. हाँ अब ठीक हो गया है. पर तो ये थोड़ा खराब मेरे को ऐसा लगता है. ये भी इसके ऊपर ही रहता होगा. नहीं अलग दिए ना शायद. ये देखो ये शायद ये क्या है. ओ ये उसका स्पेशल लेंस है. ऐसे निकलेगा इसका. कितना लंबा है वो? काफी लंबा है ऐसे. अरे बाबा ये क्या दिख गया? मैं करो कुछ नहीं दिखा. ये तो दरवाजा ही इतना यार. मेरे को लोग पता नहीं ये कौन सा पेट प्लेनेट दिख गया ब्राउन कलर का. ये तो हमारा प्यारा सा डोर है. और शायद ये अंदर ऐसे होता है. यस ये देख सकते हैं. अब इसके लेंस खोलते हैं. इन सब को रख देते हैं साइड में. आई ना वो दोस्तों. ये
इधर इसको ऐसे खोलते हैं दोस्तों, इसे सिर्फ ऐसे बड़ी वाली साइड लगती है, छोटी वाली साइड। और ये लॉक दोस्तों अभी मैं फिलहाल के लिए लॉक नहीं कर रहा, यहाँ से ये लॉक होता है, यहाँ से फिलहाल मैं अभी लॉक नहीं कर रहा। और ये ऐसे हाँ इससे भी सही दिख रहा है, ये भी अच्छी क्वालिटी का है, क्वालिटी का ये ऐसे लगता है। और ये ऐसे अब मैं आपको उसके लेंस अच्छे से दिखा देता हूँ, ये इनमें से 25 mm का है कोई पता नहीं, ठीक है ये खोलता हूँ, पहले ये खोलता हूँ, ये है 25 mm का, मतलब दिख रहा है 20 mm का। चलो चलो यार ये तो लग रहा है लेंस यार, दिख नहीं रहा खास इससे अच्छे से कुछ इस, हाँ दिख रहे दूर से दिखते हैं इससे अच्छे से हो, अरे ये दूर दिखाने का लगता है दोस्तों, इससे दूर दिखते हैं। और ये इसके लेंस बहुत मोटे होते हैं, ये भी दूर का ही है, एक सेकंड ये उल्टा दिखा रहा है, ये उल्टा तो नहीं पकड़ा हुआ है यार, ये उल्टा दिखाते हैं लेंस, और क्या लेंस यार अच्छे क्वालिटी है वैसे ये भी। चलो आपको दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, जब रात होती है रात तब हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ है कैसा है चांद दिखता है इससे। चलो इसे बंद कर देते हैं, बंद लगता है सन लेंस नहीं आया इसके साथ, सन का लेंस और मून का ये शायद सिर्फ, चलो हमें क्या है लेंस तो दोस्तों हम इसे कर रहे हैं बंद। तो दोस्तों ये हो गए हैं बंद, अब हम करेंगे इनको फाइनल लुक का, चलो देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो दोस्तों ये है इसका फाइनल लुक, अभी कुछ ऐसे और ये पीछे से कुछ पीछे से कुछ ऐसे और ये सामने से कुछ ऐसे। तो कैसा लगा आपको ये टेलीस्कोप जरूर बताइए। अब हम इससे देखते हैं चंदा मामा को और आप बताना चंदा मामा कैसे दिखे, आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो देखते हैं, और इसका आपने फाइनल लुक तो देख ही लिया है।